मध्य प्रदेश के सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के मेडिकल स्टोर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडरों के फटने से आग और भीषण हो गई। गांव से परिसर में धुआं ही धुआं फैल गया और स्थिति गंभीर हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस आग ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया। अस्पताल परिसर में कई मरीज और उनके परिजन मौजूद थे, जो धुएं और आग से घबराकर बाहर निकलने लगे। घटना के वक्त वहां धार्मिक आयोजन भी चल रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। प्राथमिक जांच के अनुसार मेडिकल स्टोर में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक फट गया, जिसके कारण आग लगी। लोगों के मुताबिक देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लपटे 15 से 20 फीट तक ऊपर उठने लगी। घटनास्थल पर धुएं का गुब्बार छा गया और स्थिति बेकाबू होती नजर आई। मोदी नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी से मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। आर्मी की दमकल भी बुलाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाकों के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका थी, लेकिन दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद परिसर में जैन संत सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन चल रहे थे, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस आग ने परिसर में सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जिस वजह से आग इतनी तेजी से फैली। आग लगने की सूचना मिलते ही सागर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। अब कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, एसडीएम अदिति यादव और नगर निगम के कमिश्नर राजकुमार खत्री सहित कई उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अपर कलेक्टर ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए के सामान का नुकसान जरूर हुआ है।